हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे हेडेंसा कैप्सूल के बारे में और हेडेंसा ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो हेडेंसा कैप्सूल और ऑइंटमेंट है, ये जिन लोगों को पाइल्स हुआ रहता है, बवासीर हुआ रहता है, उसमें इसका सेवन किया जाता है। आपको पुराने से पुराना बवासीर हो, पाइल्स हो, या आपका पेट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, उन सब में इसका सेवन किया जाता है और काफ़ी फायदेमंद रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत ही फेमस है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में इस ट्यूब और कैप्सूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडेंसा कैप्सूल और ट्यूब के बारे में। तो इसको डॉलर नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। डॉलर एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जाता है। तो जो हेडेंसा ट्यूब है वो 20 ग्राम का आता है आपको 100 रुपये में, और जो कैप्सूल है वो आपको आएगा 60 रुपये में, जिसमें 10 गोली रहेगी। अगर बात करें कि इसमें क्या कंपोजिशन डाला गया है, तो जो ट्यूब है इसमें डाला गया है लेनोलिन और लिडोकेन, मेंथोल, थायमोल, ये चार कंटेंट डाले गए हैं, जो कि घाव को या उस एरिया को सुखाने में मदद करता है, वहाँ पे आपको ठंडा करने में मदद करता है। कैप्सूल के बात करें तो कैप्सूल जो है आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक है, इसमें सब जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। अवारगंधा है, अश्वगंधा है, पिपली है, सूती है, उसके अलावा इसमें अमला करती है, और उसके साथ साथ सुंथी है, पिपारा है, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं जो कि पाइल्स में काफ़ी मदद करती हैं। अगर बात करें इसके फायदे के बारे में, तो ये आपको बवासीर अगर है तो बवासीर को ठीक करने में मदद करता है। बवासीर में ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग को रोकता है, उसके अलावा वहाँ के घाव को सुखाने में मदद करता है। अगर खुजली होगी तो उस खुजली को कम करने की मदद करता है। वहाँ पे अगर आपको जलन महसूस होगी तो उसको ठंडा करने का काम करता है। तो पाइल्स में जितने भी प्रॉब्लम होती हैं उन सबको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल और ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोनों जो हैं आयुर्वेदिक है, इसमें कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे। अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो कैप्सूल है वो आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के पहले और बाद में कभी भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आपको पाइल्स हुआ है तो आप नॉर्मल खाना खाएं, आप तेल मसाले वाला बाहर जो जंक फूड होता है उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप इसको 5 से 10 दिन करें, आपका जो पाइल्स है पूरे तरीके से ठीक कर देगा। अब बात कर लें ट्यूब का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ट्यूब में एक एप्लीकेटर दिया होता है, जब आप लोगे तो एक लंबा एप्लीकेटर दिया होता है, उसको आपको अपने एनस में डालना रहता है, डाल के थोड़ा सा दबाना रहता है, पुश करना रहता है, तो जो दवा है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हेडेंसा ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। जब भी आप उसको देखोगे तो पूरे पर्ची पे लिखा होता है और दिखाया भी गया होता है, तो उस तरह से करना है आपको दिन में 1 बार। तो ये दोनों का इस्तेमाल इस तरह से करना है। अगर बात करें सेफ्टी की, तो सेफ है, ये एडल्ट के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल भी ना लें। बाकी लोग इसका सेवन कर सकते हैं और काफ़ी फायदेमंद है। हेडेंसा जो ऑइंटमेंट है और कैप्सूल है, ये आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी हेडेंसा कैप्सूल और ऑइंटमेंट के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।